राधे श्याम में कौन कौन से संगीतकार कर रहे हैं साथ में काम? क्या राधे श्याम तैयार है रचने को इतिहास? कितने सिंगर को किया गया है इकट्ठा इस फिल्म के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। प्रभास की मल्टीलिंगुअल फिल्म राधे श्याम का प्री टीजर वीडियो जब रिलीज किया गया था, उसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल बना दिया था। हालांकि एक बात जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, वो इस मैग्नम ऑपस का साउंड ट्रैक है। किसी भी फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम को उसका सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है, जो कि कहानी में जान फूंक देता है। यही वजह है कि फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर्स की भूमिका को सर्वोच्च माना जाता है। बता दें कि राधे श्याम की टीम अलग अलग मार्केट से अलग अलग संगीत निर्देशकों को एक साथ लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिल्म में गाने अलग अलग वर्जन में एक दूसरे से अलग होंगे, जो कि भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये है कि विभिन्न टीम हिंदी और तेलुगु में अलग अलग गाने तैयार करेगी, लेकिन फिर भी गानों का फील और उसका इमोशन एक जैसा ही रहेगा। अतीत में दर्शकों ने जो कुछ देखा है उससे ये बहुत अलग होगा। इस तरह के एक प्रयास को आकार देने के लिए ना केवल बेहद समय की आवश्यकता होती है, बल्कि एक काफी मुश्किल काम भी है, क्योंकि अभिनेताओं ने भी सभी गानों को अलग अलग कोरियोग्राफी के साथ शूट किया है। राधे श्याम जैसी बहुभाषीय फिल्म के लिए ये एक म्यूजिकल कास्टिंग से कम नहीं है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। हिंदी गानों की बात करें तो मिथुन फिल्म के लिए दो गानों की रचना करेंगे और मनन भारद्वाज एक गाने की रचना करेंगे। उनके अलावा हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज कुमार और मनोज मुंतशीर द्वारा गानों की लिरिक्स लिखी जाएंगी। तेलुगु गीतों के लिए जस्टिन प्रभाकर को संगीत निर्देशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया है, जिसके लिए लिरिक्स कृष्णकांत द्वारा लिखे जाएंगे। साथ ही बता दें कि फिल्म राधे श्याम में प्रभास लगभग एक दशक के बाद रोमांटिक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की पहली घोषणा के बाद से ही प्रशंसक पैन इंडिया स्टार प्रभास को फिल्म में खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगड़े के संग रोमांस करता देखने को उत्सुक हैं। राधे श्याम का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं और गुलशन कुमार व टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में हम प्रभास और पूजा हेगड़े को मुख्य भूमिकाओं में देख पाएंगे। तो आप इन सभी संगीतकारों को एक साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।